इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग मिलते हैं। ओ भाई, बेस वेरिएंट में मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, दो दो टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, एसी वेंट भी दिया गया है। जी हाँ, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। ये देखो भाई, कोई भी नई गाड़ी आती है तो उसका जो बेस वेरिएंट होता है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है। ऐसे ही किया की सोनेट का फेसलिफ्ट आया है और इसका जो एसटीई वेरिएंट है यानी कि बेस वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। और यदि आप इस सेगमेंट में एक बेस्ट कार सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसके सभी डिटेल जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या वारंटी है, क्या प्राइस है, कितना माइलेज देती है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST YouTube चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इस कार में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। इसके साथ में कोई भी सेंटर लॉकिंग सिस्टम नहीं मिलता है, नॉर्मल चाबियाँ मिलती हैं, ये देखिएगा, और ये वेब की भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 3.99 मीटर की, विड्थ है 1.79 मीटर की, इसकी हाइट है 1.61 मीटर की। इसमें व्हील बेस मिलता है 2500 mm का और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है लगभग 210 mm का। ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। सेंटर में किया का लोगो मिलता है, ये देखिए, और फ्रंट का जो ग्रिल है वो कुछ इस तरीके की हैं। ये पियानो ब्लैक के साथ में नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही हैं। इधर ये ग्रे गार्निश मिल जाती है। टाइगर नोज पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, यहाँ से ये ओपन है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। इसमें DRL नहीं मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में। और ये देखिए, जिसका फॉग लैंप है उसमें पायलट लैंप लगाकर दिया है। फ्रंट स्किड प्लेट, फ्रंट बम्पर एंड रेडिएटर ग्रिल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर इस कार में नहीं मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट में साइड टर्न इंडिकेटर जो है फेंडर पर दिए गए हैं, वार्बिम पर नहीं मिलते हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बोनट पर कुछ इस तरीके के एजेस मिलते हैं, ये देखिए, यहाँ बीच में जो है उठा हुआ है जिससे इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आ रहा है। फ्रंट विंडशील्ड, वाइपर, ये देखिए। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। इसमें 15 इंचेस के स्टील व्हील ऑफर किए गए हैं और यहाँ पर ये व्हील कैप लगा हुआ है। सेंटर में किया का लोगो है। फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। बात कर लेते हैं टायर की। गुडसियर कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं और टायर की प्रोफाइल है 195/65R15। भाई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है जो कि डुअल टोन में है। ये देखिए, डोर क्लैडिंग, डोर हैंडल बॉडी कलर में है। कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। रूफ रेल इसमें नहीं दी गई है और इसमें शार्क फिन एंटीना, तो इसको नहीं बोलेंगे, हाँ जी शार्क फिन नहीं है, ये देखिएगा, नॉर्मल एंटीना दिया गया है। ग्लास का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, क्वार्टर ग्लास, ये देखिए, को ड्राइवर साइड, रियर डोर। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने कपल टॉर्सन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। 15 इंचेस के स्टील व्हील ऑफर किए गए हैं, ये देखिए, प्रोफाइल जो है सेम है। लेकिन भाई, रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, डिस्क नहीं मिलता है। प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 195/65R15। लेफ्ट साइड में फ्यूलेट दिया गया है और इसमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ये है इसकी रियर प्रोफाइल। सेंटर में किया की ब्रांडिंग है। इसमें कनेक्टेड टेल लाइट वाला पैटर्न दिया गया है, ये देखिए, जो कि ये जो लाइट है वो काम नहीं करती है बेस वेरिएंट में, लेकिन डिज़ाइन वही दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हाई माउंटेड यहाँ पर स्टॉप लैंप दी गई है, हैलोजन बल्ब के साथ में है। डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता है इसमें। लेफ्ट साइड में सोनेट की ब्रांडिंग है। टेल लाइट, ये देखिए, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में। इधर ये रिफ्लेक्टर्स, इधर ये देखिए रियर पार्किंग सेंसर, और रियर में इधर ये कैमरा नहीं मिलता है। रिवर्स लाइट, रियर स्किड प्लेट, रियर बम्पर। आइए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। फुली ब्लैक इंटीरियर मिलता है। ड्राइवर डोर पर इधर ये डोर हैंडल, ये देखिए लॉक, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर दो विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। इधर ये ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है। बोतल होल्डर, कुछ इतना स्पेस इधर। इधर ये देखिए एक स्पीकर दिया गया है। ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके का है। इस वाले वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल वाली सीट नहीं मिलती है और रिक्लाइन करने के लिए मिलता है, आगे पीछे कर सकते हैं। फैब्रिक सीट दी गई है, यहाँ पर ये देखिएगा,
रैगजीन लगा कर दी है। इधर ये ABC पैडल्स, बोनट ओपन करने के लिए, ये फिल कैप ओपन करने के लिए। राइट साइड में ये देखिए AC वेंट दिया गया है। यहाँ पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए। इधर ये देखिए चाबी लगाने का सेक्शन, यानी कि इग्निशन को राइट साइड में दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील का पैटर्न को जिस तरीके का है, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। राइट साइड में इधर ये मीटर को कंट्रोल करने के लिए, इधर ये ग्रे गार्निश, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है। आइए अब इसकी चाबी को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और ये काफ़ी अच्छी बात है, STK प्लस में भी यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो भी काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिएगा, जी हाँ, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। ये देखो भाई, ओ भाई, 8 लाख की गाड़ी में ये फीचर ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये देखो कुछ भी नहीं मिलता है, डमी है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो को ड्राइवर साइड, इधर ये ग्रैब हैंडल, सनशेड, वैनिटी मिरर इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी गई है, सनग्लास होल्डर नहीं दिया गया है, IRVM ऑटो डिमिंग के साथ में नहीं है, नॉर्मल है। ड्राइवर साइड यहाँ पर भी कोई भी मिरर वगैरह नहीं है, ना ही टिकट होल्डर है। इधर ये 2 AC वेंट दिए गए हैं और इसमें ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है। इधर ये हज़ार्ड लाइट, इधर ये एयर कंट्रोल करने के लिए AC एंड हीटर, सर्कुलेट करने के लिए AC, इतने फीचर बटन इधर मिलते हैं। क्लब बॉक्स देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का है, नॉर्मल है भाई। यहाँ पर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए इतना स्पेस। इधर ये टाइप सी पोर्ट दिया गया है भाई, बेस वेरिएंट में टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट 180 वाट का। ये देखो यहाँ पर ये सॉकेट दिया गया है, अरे भाई गजब। इधर क्या है, इधर कुछ नहीं, ये डमी है। ये देखो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गेयरबॉक्स। इधर ये ग्रे गार्निश, ये इसका हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, फोन रखने के लिए इतना स्पेस। इधर ये आर्मरेस्ट दिया गया है और कुछ इतना स्पेस इसमें मिल जाता है। सीट की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रही है। हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल मिल जाता है। ग्रैब हैंडल इधर मैंने आपको ये दिखाई दिया। लेगरूम की अगर बात की जाए, ये देखिए ड्राइवर वाली जो सीट है पूरी की पूरी पीछे है, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें लेगरूम मिल जाता है। हेडरूम की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, मेरी हाइट से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। काफ़ी ठीक ठाक स्पेस इसमें मिल जाता है और इस कार में बैठने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, ऊँचा फील कर रहा हूँ। हालाँकि इसमें सीट हाइट का ऑप्शन नहीं है, बेस वेरिएंट है। मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट आगे दूंगा। तो भाई फाइनली मैंने आपको इसकी फर्स्ट रो दिखा दी है, आइए बाहर निकलते हैं, चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। सेकंड रो डोर का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। पावर विंडो इसमें नहीं मिलती है, ये देखो मैनुअल वाली है बेस वेरिएंट में। इधर ये देखो बोतल होल्डर, कुछ इतना स्पेस। इधर ये ग्रैब हैंडल, इधर ये स्पीकर मिल जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके का इंटीरियर है और यहाँ पर ये सन ब्लाइंड वाला भी वो नहीं मिलता है कर्टेन। अंदर बैठता हूँ मैं। ओ भाई, बेस वेरिएंट में मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, दो दो टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, AC वेंट भी दिया गया है। ड्राइवर वाली जो सीट है पूरी की पूरी पीछे करके रखी हुई है। मुझे न जाने क्यों इसमें थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है। मैंने STK प्लस का भी रिव्यू किया है, उसमें ठीक ठाक स्पेस है। ड्राइवर वाली सीट उसमें भी पीछे है, जाकर देख लेना आप भी। ये देखिए इधर कुछ इस तरीके, इधर ये कुछ इस तरीके का इंटीरियर, इधर ये ग्रैब हैंडल, इधर ये लाइट येलो वाली, इधर ये हैंडल, कोट हुक और हेडरेस्ट इसमें भी एडजस्टेबल नहीं है। ये देखो सेंटर में भी नहीं है, उधर ये आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। 3 सीट बेल्ट इसमें दी गई हैं। इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग मिलते हैं, कोरियन ब्रांड अब ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इधर पार्सल ट्रे नहीं है, ये देखिएगा। इधर ये फ़ोन रखने के लिए कुछ इतना स्पेस। सेकंड रो की अगर सीट की बात की जाए तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम लग रहा है, लेकिन बेस वेरिएंट के हिसाब से ठीक है। आइए बाहर निकलते हैं, इसका टेल गेट ओपन करते हैं, देखते हैं बूट स्पेस कितना मिलता है। टेल गेट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये बटन दिया होगा। जी हाँ, अरे भाई खुल जाओ, खुल गया सिम। कुछ इतना स्पेस इसमें मिल जाता है। ये देखो भाई, 385 लीटर का बूट स्पेस है। इस
स्पेयर भी लेदर ये रखा हुआ है, गुड्स ईयर का टायर है, तो ये 15 इंचेस का है। एसटी के प्लस में भी 15 इंचेस का ही मिलता है, जबकि उसमें 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं भाई, और गुड्स ईयर का टायर देख लेना, वो वाली वीडियो भी ज़रूरी है देखना। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, आइए इसका बोनट ओपन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इंजन की अगर बात की जाए, जो इसका बेस वेरिएंट है एसटीई, उसमें पेट्रोल और डीजल दो वेरिएंट आते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में इंजन मिलेगा इनका स्मार्ट स्ट्रीम जी 1.2 लीटर का 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और डीजल में मिलेगा 1.5 लीटर का CIDI VGT 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, उसमें 6 गियर मिलते हैं, पेट्रोल में 5 हैं। इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट है 1197 सीसी, 4 सिलेंडर ये इंजन है। इसकी मैक्सिमम पावर है 82 BHP की 6000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर का 4200 RPM पर। BS6 फेस टू वाला इंजन मिलता है, टू व्हील ड्राइव ये कार है, और नीचे की तरफ भी ये देखो प्रोटेक्शन लगा कर दी है कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई फाइनली मैंने आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी की, प्रोज एंड कॉन्स, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। किया कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और अनलिमिटेड किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो ये कार जो है लगभग आपको 15 प्लस माइलेज निकाल कर दे देगी, और हाईवे पर तो 17-18 के आसपास भी निकाल कर दे देगी। उसका आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि ये डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इस कार में मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, और डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है। इसकी एक्सशोरूम स्टार्टिंग हो जाती है 7,99,000 से, 7,99,000 रुपये से, और ये इसका एसटीई वेरिएंट है, यानी कि बेस वेरिएंट ही है। इसकी एक्सशोरूम प्राइस तो मैंने आपको बता दी, ऑन रोड आते आते ये आपको पड़ जाएगी लगभग 8,55,000 रुपये के आसपास। प्राइस का आपके बल रफ आईडी माने, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 5-10 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस कार से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, और आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आप इस कार को ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो। यदि आप इसका ऊपर वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, जैसे कि एसटीके प्लस या फिर जीटी लाइन वगैरह, तो मैंने उनका भी इसी तरीके से डेडिकेटेड वर्कराउंड किया है। इसकी मैं ड्राइव भी करूँगा, और इसके साथ में जो भी मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। कुछ वीडियोस आ गई हैं, उनके लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये कार मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।